हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिल्मी फ्राइडे। दोस्तों, पुनर्जन्म पर आधारित अभी तक कई ऐसी फिल्में बनी हैं जो ऑडियंस को तो पसंद आई थी बल्कि मेकर्स के लिए भी फायदे का सौदा रही। इस तरह की फिल्मों में अक्सर वो स्टोरीज दिखाई जाती हैं जिन्हें हीरो हीरोइन पिछले जन्म में पूरा नहीं कर पाते और उसे अंजाम तक पहुँचाने के लिए दोबारा से जन्म लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही बॉलीवुड की टॉप 10 पॉपुलर फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जब बॉलीवुड के दो बड़े सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान किसी फिल्म में पुनर्जन्म लें और फिल्म सुपरहिट ना हो, ऐसे भला कैसे हो सकता है। एक लाचार माँ जो अपने दो जवान बेटे खो देती है लेकिन वो उनके वापस आने का इंतजार करती है। दोनों बेटे अलग अलग जगह पैदा होते हैं लेकिन उन्हें अपना पुनर्जन्म हमेशा परेशान करता है। फिर दोनों वापस अपनी माँ के पास जाते हैं और अपनी मौत का बदला लेते हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन राकेश रोशन साहब ने किया था, साथ ही फिल्म को प्रोड्यूस भी इन्होंने ही किया था। फिल्म ऑडियंस को काफी पसंद आई और बॉक्स ऑफिस पर भी कामयाब रही। गैस फराह खान के डायरेक्शन में बनी ओम शांति ओम आप सभी ने जरूर देखी होगी। फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण लीड रोल में थे। इस फिल्म की कहानी भी पुनर्जन्म पर ही बेस्ड थी, जिसमें हीरो हीरोइन मर जाते हैं लेकिन मेन विलन से बदला लेने के लिए हीरो दोबारा से जन्म लेता है और इस तरह ओम शांति ओम पूरी होती है। ये फिल्म भी ऑडियंस को काफी पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स कायम किए थे। बल्कि ये फिल्म साल 2007 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बनी थी। दोस्तों, 1980 में सुभाष घई साहब ने फिल्म कर्ज बनाई थी, जिसमें ऋषि कपूर, टीना मुनीम और सिमी ग्रेवाल मेन रोल में नजर आए थे। फिल्म में मोंटी नाम के एक ऐसे लड़के की कहानी दिखाई गई है जो कि एक सिंगर और म्यूजिशियन है और एक दिन ऐसी धुन बजाता है जिसका कनेक्शन उसके पिछले जन्म से होता है। उस धुन के बारे में पता लगाने के लिए वो एक जगह पहुंचता है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि एक लड़की कामिनी ने सिर्फ दौलत के लिए उससे झूठे प्यार का नाटक किया था और बाद में उसे मार दिया। उसका पुनर्जन्म इसी के लिए हुआ था कि वो वापिस आकर अपनी मौत का कर्ज उतार सके। उस टाइम पर इस फिल्म की कहानी और इसका म्यूजिक ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म कामयाब रही। दोस्तों, बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर बिमल रॉय के डायरेक्शन में बनी फिल्म मधुमती 1958 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला लीड रोल में थे। इस फिल्म की कहानी भी पुनर्जन्म पर ही बेस्ड थी। शहर के रहने वाले आनंद को गांव की एक लड़की मधुमती से प्यार हो जाता है लेकिन दोनों मिल नहीं पाते क्योंकि इसी बीच मधुमती का मर्डर हो जाता है। लेकिन 30 साल बाद दोनों का पुनर्जन्म होता है और फिर असली कातिल को सबके सामने लाया जाता है। पुनर्जन्म पर आधारित ये बॉलीवुड की सबसे पुरानी फिल्मों में से एक थी जिसे ऑडियंस की तरफ से खूब प्यार मिला। इतना ही नहीं, इस फिल्म को उस साल 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले थे। इसके अलावा फिल्म को उस साल नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। गैज, इस लिस्ट में साल 2019 में रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 4 का जिक्र करना भी जरूरी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, राणा दग्गुबाती, कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा जैसे कई सितारे नजर आए थे। 14वीं शताब्दी के राजकुमार और राजकुमारियां कैसे 800 साल बाद दोबारा जन्म लेकर अपनी प्रेम कहानी पूरा करते हैं, यही सब फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म ऑडियंस को काफी पसंद आई और बॉक्स ऑफिस पर भी कामयाब रही। इतना ही नहीं, ये फिल्म साल 2019 की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म भी बनी थी। दोस्तों, 1981 में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना और राजकुमार स्टारिंग फिल्म कुदरत रिलीज हुई थी। ये एक पारंपरिक पुनर्जन्म पर बेस्ड वाली फिल्म थी जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। एक ऐसी प्रेम कहानी जो कुछ टाइम पहले ही हुई थी लेकिन अब फिर से दोबारा होने को है। धीरे धीरे हीरो हीरोइन को पुरानी चीजें परेशान करती हैं, कुछ पुरानी बातें याद आती हैं और फिर एक ट्रेडिशनल रामू काका वाला करेक्टर जिसके बिना पुनर्जन्म का पता ही नहीं चलता। अगर आप पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं तो आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, लिस्ट में अगली फिल्म है बंजारन। कुमार और रेशमा एक दूसरे की तरफ काफी आकर्षित होते हैं और दोनों के बीच प्यार हो जाता है लेकिन इसी बीच उन्हें एहसास होता है कि वो दोनों अपने पिछले जन्म में भी प्रेमी थे। लेकिन पिछले जन्म में दोनों के पिता ने उनके प्यार का विरोध किया था और दोनों को एक नहीं होने दिया। इसी के चलते अपनी प्रेम कहानी पूरा करने के लिए दोनों का दोबारा जन्म हुआ। फिल्म में ऋषि कपूर और श्रीदेवी लीड रोल में थे। फिल्म के गाने उस साल काफी पसंद किए गए थे, साथ ही ये फिल्म भी ऑडियंस को काफी पसंद आई थी। दोस्तों, पुनर्जन्म पर बेस्ड बॉलीवुड में एक और बेहतरीन फिल्म बनी थी जिसका नाम था नीलकमल। ये फिल्म भी पुनर्जन्म के ऊपर ही आधारित थी जिसमें वहीदा रहमान, मनोज कुमार और राजकुमार मेन रोल में थे। फिल्म में दिखाया गया है कि सीता को नींद में चलने की बीमारी होती है और इसकी वजह से उसका पति राम उससे काफी परेशान रहता है। जब राम इसके बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि उसका कनेक्शन सीता के पिछले जन्म से है। फिल्म ऑडियंस को काफी पसंद आई और बॉक्स ऑफिस पर भी कामयाब रही। नीलकमल उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बनी थी। गैज, 1995 में रिलीज हुई फिल्म प्रेम से तब्बू और संजय कपूर ने अपना फिल्मी डेब्यू किया था। ये फिल्म भी पुनर्जन्म पर ही बेस्ड थी। फिल्म का लीड करेक्टर संजय वर्मा एक होनहार लड़का है
जिसे समय समय पर शांतनु के नाम का हेलुसिनेशन होता है। इस दौरान वो एक छोटे कस्बे की यात्रा पर निकलता है जहां पर उसकी मुलाकात सोनिया वर्मा नाम की एक लड़की से होती है। मजे की बात यह है कि उस लड़की को वो पहले से ही लाची के रूप में जानता है। लाची के रूप में उस लड़की को देखकर सब समझ आ जाता है कि वो दोनों पिछले जन्म में लवर थे। हालांकि इस फिल्म की कहानी भी पुनर्जन्म पर आधारित बाकी बॉलीवुड फिल्मों से मिलती जुलती थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो पाई। दोस्तों, अभी तक जो हमने फिल्मों के नाम बताए उनमें सभी में दो जन्मों की कहानी दिखाई गई थी, लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं इसमें हीरो हीरोइन को अपनी प्रेम कहानी पूरा करने के लिए दो नहीं बल्कि तीन बार पुनर्जन्म लेना पड़ा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म डेंजरस इश्क की, जिसमें करिश्मा कपूर को मेन रोल में देखा गया था। फिल्म में लीड हीरो और हीरोइन के पुनर्जन्म तो दिखाए हैं, साथ में विलेन को भी उतने ही पुनर्जन्म में देखा गया था। हालांकि फिल्म में कई टर्न और ट्विस्ट भी थे, लेकिन फिर भी ये फिल्म ऑडियंस को ज्यादा पसंद नहीं आई। वैसे ये फिल्म एक बार देखने लायक तो जरूर है। दोस्तों, इनमें से आपने कौन कौन सी फिल्में देखी हैं और कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।